हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टीजीटी इंग्लिश फीमेल का जो 9 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसी का पार्ट फर्स्ट का इंग्लिश पोर्शन, जिसमें 20 क्वेश्चंस पार्ट ए सेक्शन में आते हैं इंग्लिश से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, ही डिड नॉट स्पीक ब्लैंक वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में कोई शब्द नहीं कहा, कोई भी या एक भी शब्द नहीं बोला। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए वर्ड। ओके, एनी की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। ही डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड इन सेल्फ डिफेंस या ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। ओके, आई सॉ ब्लैंक हॉकर सेलिंग हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट। तो इसका भी ऑप्शन ए सही रहेगा, ए हॉकर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई एम सॉरी आई कॉन्ट एक्सीड ब्लैंक योर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर एक्सीड के साथ हमेशा दो टू लगेगा। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आई एम सॉरी आई कॉन्ट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट। क्वेश्चन 84 है हमारा, दिस एरिया अबाउंड्स ब्लैंक वैल्यूएबल मिनरल्स। तो अबाउंड्स के साथ या तो विद लगता है या फिर इन लगता है। विद यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इन होगा। और विद लगता है किसी भी लिविंग थिंग के साथ, हम विद का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिविंग थिंग नहीं है तो यहाँ पर हमारा इन लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, आई वांट टू गेट ब्लैंक द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द केस। तो गेट के साथ हमारा गेट आउट लगता है, बाहर जाना, गेट इन अंदर आना या फिर गेट एट। ओके, तो यहाँ पर गेट एट होगा क्योंकि हम यहाँ पर ट्रू फैक्ट की बात की गई है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, द फ्रंट लाइन हैज़ ब्लैंक द एनिमी अटैक वेरी वेल, या सहन करने से संबंधित है ये। तो ठीक है, हैज़ यहाँ पर हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, वी थ्री लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या कोई भी परफेक्ट टेंस उसमें वी थ्री लगती है। तो बियर हमारी फर्स्ट है, बोर्न हमारी वी थ्री हो सकती है, लेकिन ये जन्म लेने से संबंधित है ना, बोर्न ये अलग हो गया है। तो ये बोर्न होता है BORNE, जो कि सहन करने से संबंधित है, रिलेटेड है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 87, आफ्टर आई हैड ब्लैंक हिम फेयरवेल आई हरिड अवे। तो इसका होगा 87 का, वो फिर से हमारा पास्ट परफेक्ट आया है यहाँ पर, जिसके साथ वी थ्री हमारा लगता है, बिड बेड बिडन, तो बिडन इसका थर्ड होगा। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, द कैट लिक्ड अप द ब्लैंक मिल्क। तो लिक्ड होता है चाटना, गिरे हुए को, जैसे फर्श पर या ज़मीन पर दूध गिरा तो बिल्ली उसको स्प्लिट कर रही है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, स्पिल्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब हमें इसके लिए पार्टिंग के लिए सही चुनाव करना है, पार्टिंग आर ऑलवेज पेनफुल सॉरी। तो ये हमें बताना है, वर्ब है, जीरंड है, प्रीपोजिशन है या फिर कंजक्शन है। देखिए, वर्ब होती है हमारी तीन तरह से, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट हमारा जीरंड का होता है, जिसमें वी वन प्लस आई एन जी लगता है। ओके, और यहाँ पर हमारी वही है, पार्ट वी वन है हमारा पार्ट, और उसमें प्लस आई एन जी किया तो ये हमारा बना जीरंड। ओके, और ये नाउन जीरंड का वर्क कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, ही क्रॉल्ड क्रैब वाइज अक्रॉस द, ये कटा हुआ है यहाँ पर, तो फिर भी देखते हैं, हमें क्रैब वाइज का निकालना है। क्रैब वाइज किसके बारे में बात कर रहा है, क्राउड के बारे में बात कर रहा है। और जब अगर हम हिंदी में भी समझते हैं तो जब कोई चीज़ किसी की विशेषता बताती है तो उसको विशेषण कहते हैं, और विशेषण की विशेषता को बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से जब क्रिया की विशेषता बताई जाए, यहाँ पर ये क्राउड के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। ओके, ये इसको क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 91 है, द वेरी ओल्ड मैन हैड फ्राइटन्ड लुक। ठीक है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ओके, क्योंकि ये क्या है हमारा, ओल्ड मैन के बारे में बता रहा है कि कैसा लुक है उसका। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92,
नोबडी केम टू योर पार्टी. सबसे पहले हम देखते हैं ये सेंटेंस कौन सा है, सॉरी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट या इंडेफिनिट. पास्ट की पहचान होती है प्रेजेंट पास्ट में क्या होता है, वी सेकंड लगती है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं रहती, सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट रहता है हमारा. और ये बिल्कुल वही चीज़ है, दिस वन इज सब्जेक्ट, वी टू, वी सेकंड, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आता है. अब हमें यहाँ पर लगाना है कि क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. देखिए पास्ट है तो पास्ट में वर्ब होनी चाहिए, और क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या होता है, जब हमारी स्टार्टिंग पॉजिटिव से होती है तो फिर लास्ट में हम नेगेटिव लगाते हैं. अगर नेगेटिव से स्टार्टिंग है तो फिर लास्ट में हम पॉजिटिव रखते हैं. तो यहाँ पर स्टार्टिंग है नो बॉडी, नो का मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है ये, तो नेगेटिव हमारा बिल्कुल भी नहीं लगेगा. दिस वन एंड दिस वन इज कैंसिल. देन रिमाइंडिंग बचे हमारे पास बी एंड डी, तो बी और डी से हमें सेलेक्ट करना है. डी हमारे पास प्रेजेंट में है, क्योंकि प्रेजेंट की डू डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन होती है. ये दो हमारे पहले ही कैंसिल हो चुके थे, बचा हमारे पास पार्ट बी. दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. ही नेवर सेज ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं कहा. अब फिर से यहाँ पर नेवर आया है तो हमें फिर से पॉजिटिव सेंस में लेना है यहाँ पर, तो डजंट और हिजंट ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. अब बचा हमारे पास, सॉरी दिस वन एंड दिस वन इज कैंसल्ड. अब बचा हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. अब देखिए अगर हम इज ही लगाते हैं तो वो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है ना. तो यहाँ पर हमें किसी चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई नहीं करना है, इज ही लगता है किसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए. तो यहाँ पर आएगा डज ही. ठीक है, ही नेवर सेज ए वर्ड, डज ही. नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली रोंग, जो कि ग्रामेटिकली रोंग है उस सेंटेंस को हमें चूज करना है. द सीड्स वर शोड इन द फ्लावर बेड, क्लोथ्स हंग फ्रॉम ए ब्रैकेट, द रिवर इज स्वोलन विद फ्लड, द लेट दैट शी हैड नेवर सीन हिम बिफोर. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए. ओके, यहाँ पर जो वर्ग के साथ वर्ब की फॉर्म लगी है वहाँ पर हमारी होनी चाहिए एस ओ डब्ल्यू एन, बिकॉज यहाँ पर छोटे के लिए, बोने के लिए यूज़ किया गया है ना. तो बोना होता है, सॉरी छोटा नहीं, बोना, हम सीड्स को बोने की बात करते हैं ना, तो ये होता है सोन होता है इसका, एस ओ डब्ल्यू एन. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 95 है, द रिवॉल्वर वाज लोडेड. ठीक है, यहाँ से भी हमें रोंग सेंटेंस निकालना है. नेक्स्ट है, द मोल्टन लावा पोर्ड डाउन द माउंटेन, द लास्ट शूट कॉस्टेड मी ए ग्रेट डील ऑफ मनी, देयर नंबर हैव स्वेल्ड सिंस दोज डेज. तो स्वेल्ड नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा स्वोलन, एस डब्ल्यू ओ डबल एल ई एन. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, फाइंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें निकालना है इसमें से. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है, व्हेन आई वेंट देयर द डोर्स वर लॉक्ड, सॉरी आई शैल वेट अंटिल यू फिनिश डेस्टिनी, तो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. तो इसका जो सही आंसर है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो है ऑप्शन बी, आई शैल वेट अंटिल यू फिनिश डेस्टिनी. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, फाइंड द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. यहाँ से हमें सिंपल सेंटेंस को चूज करना है, तो वो हो जाएगा हमारा राम डिफीटेड रावण द किंग ऑफ लंका. तो ये हमारा सरल वाक्य है या सिंपल सेंटेंस है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग. तो चाइल्ड वू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, बिना छुट्टी के जब अनुपस्थित रहते हैं, तो वो होता है ड्रोंट. बिल्कुल सही है. हैविंग इनफाइनाइट पावर, जिसके पास बहुत इनफाइनाइट पावर होती है, शक्ति होती है, उसको कहते हैं ओमनी पोटेंट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 100, सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड. तो जो गलत है वो है हमारा एक्यूज, ए डबल सी
यूएसए, ये होती है इसकी सही स्पेलिंग, बाकी सही है। तो आप एक बार जो सही वर्ड है इनकी स्पेलिंग भी आप एक बार लर्न करें, क्योंकि इनको रिपीट DSSS भी कर सकता है। ओके, तो थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।